पाकिस्तान का यू और रिहाइश इख्तियार करने का क्यों है? फारिया, मैंने तो सारी फैमिली यूके में सेटल है। मैं तो यूके जाकर बैरिस्टर बनकर सारी जिंदगी आराम और ऐशो इशरत से गुजारूंगी। जी शांसे, आप क्या कहती हैं? मैडम, मैं फारिया से इत्तेफाक करती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में है ही क्या, बाहर के तो रंग ढंग ही निराले हैं, जिंदगी गुजारने का लुत्फ आ जाता है। और फिर यूके के ब्रांड्स, वो तो सारी दुनिया में मशहूर है। चैनल के बैग्स, गुची की ग्लासेस और न जाने क्या कुछ। उफ हाय, मैं तो अभी से यूरोप पहुंच गई। आप तो सब की सब यूरोप की दीवानी है। जी एनी, आपका क्या इरादा है? मैडम, मेरे ड्रीम्स तो बड़े बड़े हैं। मैं तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए मीडिया कम्युनिकेशन में डिग्री लेकर सीएनएन में एंकर बनूंगी। एथेटिक थिंकिंग, यहाँ तो कोई यूके जा रहा है, कोई फ्रांस और कोई यूएस, पता नहीं इस कॉम का क्या होगा। जी, अब मरियम से पूछते हैं कि आपके ख्वाबों की दुनिया किस मुल्क में है? मैडम, मेरी ख्वाबों की दुनिया तो मेरी धरती, मेरा मान, मेरा फख्र और मेरी जान पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिसने हमें नाम, इज्जत, शोहरत और पहचान दी है। मैं इंशाल्लाह असिस्टेंट कमिश्नर बनकर अपने इलाके, अपने शहर और अपने मुल्क की खिदमत करूंगी। तुम इस मुल्क में सरती रहो, बहुत शौक से रहो, हम तो गए बाहर ऐश इशरत करने। ये हमारे मुल्क के नौजवान नस्ल का हाल है, जिस पर कौम के मुस्तकबिल का दारोमदार है। बेशक हमें अपने मुल्क पर फख्र है, हमारे मुल्क में किसी चीज की कमी नहीं है। अगर कमी है तो हमारी मुस्बत सोच की। हमारी नई नस्ल मगरिब की चकाचौंध से मुतासिर होकर उनकी पैरवी कर रही है। इकबाल ने उन नौजवानों के लिए क्या खूब कहा है, अपनी मिल्लत पे कयास अक्वाम मगरिब से न कर, अपनी मिल्लत पे कयास अक्वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। मैं अपने मुल्क के नौजवान तालिबिल्मों को बताना चाहती हूँ कि अपनी धरती माँ से मोहब्बत करो और अपने मुल्क के बावकार तालीमी इदारों से तालीम मुकम्मल करके ख्वाबों को हकीकत बनाओ। सलाम है उन नौजवानों को जो अपने मुल्क में ही मुख्तलिफ शोबों में फराइज सर अंजाम देकर हुब्बुल वतनी का फर्ज निभा रहे हैं। इंसान की उम्मीद का दिया कभी नहीं बुझता, उम्मीद हमेशा इंसान को तरक्की के मेराज पर पहुंच जाती है। उम्मीद का एक दिया अगर रोशन हो जाए तो दिए से दिया जलता जाएगा, और मैं उम्मीद के दिए हमेशा जलाए रखूंगी। और उम्मीद है कि हमारी यही नौजवान नस्ल मुल्क और कौम की खिदमत करेगी।